गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में कि ग्रीन पॉलिटिक्स आखिरकार है क्या। तो हम देख सकते हैं ग्रीन शब्द यानी हरियाली से संबंधित शब्द। दूसरा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आप जानते हैं कि राजनीति को कहा जाता है, तो यहाँ ग्रीन पॉलिटिक्स से अभिप्राय है कि जब पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स को हरित नीतियों से जोड़कर किया जाए, यानी जब पॉलिटिक्स को इकोलॉजी से जोड़कर किया जाए तो उसे कहा जाता है ग्रीन पॉलिटिक्स, या दूसरे शब्दों में इको पॉलिटिक्स। इस तरह की जो पॉलिटिक्स की जो ये पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी जो डेवलप्ड हुई है, उसका उद्देश्य है कि यह इकोलॉजिकली एक सस्टेनेबल सोसाइटी का निर्माण करे और इस सोसाइटी की जड़ें पर्यावरणवाद, अहिंसा और सामाजिक न्याय और जो हमारे लोकतंत्र हैं उस पर मुख्य रूप से आधारित हों। कहने का अर्थ है कि जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारी हरित नीतियों या इकोलॉजी से जोड़कर तैयार हुई तो उसको हम इको पॉलिटिक्स या ग्रीन पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। और इसके अंतर्गत जो मेन जो चीज़ें हैं कि हम पर्यावरणवाद के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, अहिंसा के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए किस तरह से सस्टेनेबल ढंग से हम सोसाइटी के लिए पॉलिटिक्स के माध्यम से कार्य कर सकते हैं, तो उस सब का वर्णन हमारी ग्रीन पॉलिटिक्स या इको पॉलिटिक्स।